नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये दोस्तों आज मेरा टॉपिक है गुलाब के बारे में और गुलाब का केयर और फर्टिलाइजर आपको कैसे देना है प्रूनिंग के बाद उसके बारे में। ये देखिए दोस्तों, प्रूनिंग के बाद का रिजल्ट है और मेरे गुलाब में बहुत सारा फूल आने लगा है। ये पैराडाइज है। पैराडाइज एक बहुत ही खूबसूरत वेराइटी होता है, हाइब्रिड टी से होता है दोस्तों, और पर्पल और रेड मिक्स होता है। इसका लीफ भी देखिए बहुत शाइनी लीफ्स आ रहा है अभी प्रूनिंग के बाद, और अभी ये डोरमांसी से जागे हैं दोस्तों, तो बहुत सारा फूल देंगे आपको लगातार। अभी ये शुरू हुआ है, ये सिलसिला चलेगा आपका मार्च तक। मार्च के बाद धीरे धीरे फूल का क्वालिटी कम होने लगेगा और फूल छोटे छोटे आएंगे और कम आएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है दोस्तों। और अभी जो टेम्परेचर है 10 से आपका 22 23 डिग्री तक जब रहता है, तो वही वाला टेम्परेचर बहुत बढ़िया रहता है और वही क्लाइमेट गुलाब को सूट करता है दोस्तों। और देखिए कैसे हेल्दी और प्यारा फूल दिया है। बाकी मेरा सब वैरायटी में ऐसे फूल आ रहा है दोस्तों। तो ये सनस्प्राइट है फ्लोरीबुंडा का, येलो कलर में, सेंटर इसका रेड आता है। बहुत ही प्यारा फूल, लेकिन उतना लास्टिंग नहीं देता है और रेगुलर खिलने वाला फूल होता है, और बहुत जल्दी जल्दी इसमें बर्ड्स आते हैं दोस्तों। देखिए इतने सारे बर्ड्स हैं बाकी, और आगे पीछे होके ये सब खिलेंगे अभी, और लाइट येलो में रहता है, बहुत प्यारा दिखता है। ये देखिए ये पहले खिला था दोस्तों। आपको बहुत सारे एक्सपर्ट बहुत सारी चीज़ बताएंगे, लेकिन उतना कर पाना मुश्किल है, और मैं आज इस वीडियो में आपको दो ही चीज़ बताऊँगा, और वो दो चीज़ मैं डालता हूँ, और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। ज़्यादा झंझट में पसंद नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। इससे पहले मैं एक वीडियो लाया था आपको पॉटिंग मिक्स में क्या क्या डालना है इसके बारे में, और आज का वीडियो है प्रूनिंग के बाद आपको क्या फीड करना चाहिए। और देखिए मेरा सब गुलाब में अभी ग्रोथ और बर्ड्स आ गए हैं। और ये देखिए ये मेरा फायर फ्लास है, बहुत ही प्यारा वेराइटी। नेक्स्ट डे मैं दिखाऊँगा इसका फूल, और थोड़ा खिलने पर बहुत अच्छा दिखेगा। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट डे का है, और कैसे स्ट्राइप आता है देखिए, रेड में येलो का स्ट्राइप आता है। बहुत छोटा छोटा फूल, लेकिन बंचेस में आता है, और देखने में बहुत मज़ा लगता है। बहुत दिन तक ये टिकता भी है, करीब 10-12 दिन तक ये टिकेगा दोस्तों। और ये देखिए ये स्वीट चेरियट है, बहुत छोटा छोटा लेकिन बहुत ज़बरदस्त वेराइटी है। पेटल काउंट बहुत ज़्यादा होता है इसमें। आइए नेक्स्ट गुलाब की ओर चलते हैं। ये देखिए ये एक मल्टी कलर गुलाब है, सोवन स्टोई है इसका नाम, और येलो और आपका रेड मिक्स में आता है, और धीरे धीरे ये टर्न होकर रेड हो जाता है दोस्तों, कलर चेंज करता रहता है, बहुत बढ़िया दिखता है। और ये डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी भी है। मेरे सब गुलाब में दोस्तों डिजीज लगे थे, तो इस गुलाब का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, उतना डिजीज लगा नहीं इसमें, और रेगुलर खिलता है, और आपका मेंटेनेंस भी इसका बहुत कम है। ये नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाता है, उतना रेयर वेराइटी है नहीं। और इसका मैं और एक प्लांट लाया हूँ, वो छोटा है, और उसमें भी देखिए फूल आना शुरू हो गया है, और गजब का कलर दिखता है दोस्तों। पहला दिन तो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, और मीडियम साइज का फूल है, बहुत बढ़िया आता है। अगर मिलता है तो आप इसे ज़रूर लाइएगा। नेक्स्ट गुलाब की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए समर स्नो। समर स्नो में अभी बहुत कम फूल आ रहा है, ये बहुत छोटा छोटा फूल देता है और पूसी प्लांट होता है, झाड़ीदार गुलाब बोल सकते हैं आपको। और ये भेरदून है देखिए, ये बटन रोज बोल सकते हैं आप, पिंक में बहुत छोटा छोटा फूल आता है। इसे उड़ीसा और बिहार में हजारी गुलाब भी बोलते हैं, कोलकाता में, और हजार के मात्रा में फूल देता है, इसीलिए ऐसा ही नाम देते हैं इसको। और ये रेड में देखिए अननोन वैरायटी है। पता देखिए दोस्तों गुलाब का अभी बहुत हेल्दी सूट सब आ रहा है, और कुछ दिनों में ये सारा भर जाएगा दोस्तों। ये सेंटीमेंटल है, ये आपका स्ट्राइप में आता है, बहुत प्यारा गुलाब, लेकिन ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं करता है। ये देखिए नेक्स्ट डे का है, और बहुत बढ़िया दिखता है दोस्तों, एट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि मल्टी कलर होता है। आप भी दोस्तों हर टाइप का गुलाब रखिए, हाइब्रिड टी, फ्लोरीबुंडा, मिनी फ्लोरा सब रखिए, क्योंकि गुलाब का जितना आप कलेक्शन करेंगे उतना कम है,
और एक देखिए पिंक में ये मिनी फ्लोरा है, इसका कलर भी मुझे ज़बरदस्त लगता है। साइज तो उतना बड़ा नहीं आता है लेकिन जब भी खिलता है दोस्तों इसका कलर बहुत अट्रैक्टिव लगता है मुझे, छोटे छोटे फूल और बहुत सारा देता है, अभी एक खिला है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या क्या इसमें मैं डालता हूँ। दो चीज़ ही मैं बताऊँगा दोस्तों, एग्रोमीन और NPK 19:19:19। पहले एग्रोमीन के बारे में जान लेते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है दोस्तों। बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे कमेंट करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो एग्रोमीन आप ले आइए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा सब। और NPK 19:19:19 ये वाटर सोल्यूबल है, इसको मैं रूट और फोलियर स्प्रे दोनों कर रहा हूँ दोस्तों। इसको आपको लेना है 1 लीटर में 1 चम्मच NPK 19:19:19, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको लेना है 5 से 6 ड्रॉप, और रूट एरिया में आप दे सकते हैं और उसका हाफ स्ट्रेंथ करके आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। ये दोनों चीज़ें आप डालिए, देखिएगा आपके गुलाब में भी रिजल्ट ज़बरदस्त आएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, फिर मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।